गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रीवियस वीडियो क्लास में हमने सृजन पाठ्यपुस्तक चैप्टर 4 काव्यखंड स्टार्ट किया था। बिहारी सत्सई के कुछ पद चैप्टर से हमने 1, 2, 3 दोहे कंप्लीट कर लिए। आज हम दोहा नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। कब को टे ऋतु दीन रट, होत न श्याम सहाय, तुम्हू लागी जगत गुरु, जग नायिक जगबाय। टेर तु का अर्थ होता है पुकार रहा। दीन रट का अर्थ होता है दीनता भरा स्वर या वाणी। सहाय का अर्थ होता है सहायक। जगबाय का अर्थ होता है संसार का बुरा प्रभाव। प्रस्तुत दोहा कवि बिहारी द्वारा रचित सत्सई से लिया गया है। इसमें कवि भगवान का ध्यान उसके निष्ठुरता की ओर आकर्षित कर रहा है। अर्थ देखिए, कब को टेर तु दीन रट, होत न श्याम सहाय, कि हे प्रभु मैं कब से तुम्हें दीन स्वर में पुकार रहा हूँ, अर्थात मैं कब से तुम्हें लगातार अपने दीन स्वर में तुझे याद कर रहा हूँ, पुकार रहा हूँ। होत न श्याम सहाय, परंतु तुम मेरे सहायक नहीं हो रहे हो। मैं तुम्हें लगातार पुकार रहा हूँ लेकिन तुम मेरे सहायक नहीं हो रहे हो। तुमहु लागी जगत गुरु, जग नायिक जगबाई। तुम तो संसार के गुरु हो, यानी कि जगत गुरु, यानी कि तुम तो संसार के गुरु हो। जन नायिक जगबाई अर्थात, परंतु तुम ऐसी निष्ठुरता देखकर लगता है कि तुम भी इस दुनिया की बुरी हवा लग गई है, कि मैं तुम्हें लगातार दीन स्वर में पुकार रहा हूँ फिर भी तुम मेरे सहायक नहीं हो रहे हो। तुम्हारी निष्ठुरता देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें भी इस दुनिया की हवा लग गई है, अर्थात जिस प्रकार यह दुनिया दीन दुखियों की उपेक्षा कर देती है, अर्थात उनकी तरफ ध्यान नहीं देती है, उसी प्रकार से आप भी मेरी करुण पुकार नहीं सुन रहे हो और मुझ जैसे गरीब पर ध्यान नहीं दे रहे हो। यहाँ पर दीन दुनियों की हवा लगना, दुनिया की हवा लगने मुहावरे का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है कि संसारी जीव की तरह अपने कार्य को भूल जाना, जिसे संसार की हवा लग जाती है वह अपने कर्तव्य को भूल जाता है और कोरा दिखावा करता है। प्रस्तुत दोहे में अनुप्रास व उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। सरल साहित्यिक ब्रजभाषा व दोहा छंद का प्रयोग इस दोहे के अंदर कवि ने किया है। नेक्स्ट देखिए, या अनुराग चित्त की गति, समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होए। अनुरागी का अर्थ होता है प्रेमपूर्ण। गति का अर्थ होता है स्थिति या चाल। बूढ़े का अर्थ होता है डूबता। श्याम रंग का अर्थ होता है काला रंग। उज्ज्वल का अर्थ होता है निर्मल या पवित्र। प्रस्तुत दोहे में कवि ने भक्ति भावना की ओर संकेत किया है तथा कृष्ण भक्ति पर बल दिया है। अर्थ देखिए, या अनुराग चित्त की गति, समझे नहीं कोई। कवि कहते हैं कि इस अनुराग पूर्ण हृदय की गति को कोई नहीं जान सकता है, कि या अनुराग चित्त की गति, कि इस प्रेम पूर्ण हृदय की गति को कोई भी नहीं जान सकता है। जो जो बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल हो। जैसे जैसे श्याम रंग में डूबता है वैसे वैसे अधिक उज्ज्वल हो जाता है। अब इसका अर्थ देखिए, दो रूप में होता है, कि जैसे जैसे श्याम रंग अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति में व्यक्ति डूबता है भक्त, तो वह और भी अधिक त्यों त्यों उज्ज्वल हो। जैसे जैसे वह डूबता हुआ चला जाता है वह और भी अधिक उज्ज्वल हो जाता है, अर्थात पवित्र हो जाता है, कि जैसे जैसे वह श्री कृष्ण की भक्ति में डूबता है वैसे
और भी अधिक उज्जवल वह हो जाता है, अर्थात पवित्र वह हो जाता है। अब दूसरा देखिए, जो जो बूढ़े श्याम रंग तोते उज्जवल होए। अब श्याम रंग का अर्थ होता है काले रंग का, कि काले रंग पे तो वस्तु जब डूबती है तो काली ही होती है, परंतु यहाँ पर बताया गया है कि कि उज्जवल होए कि वह क्या है कि और भी अधिक काले रंग में डूबने पर और भी अधिक उज्जवल यानी कि सफ़ेद हो जाती है, निर्मल हो जाती है। तो यहाँ पर कौन सा हो गया, विरोध उत्पन्न हो रहा है, तो विरोधाभास अलंकार हो गया कि काले रंग में डूबने से वस्तु काली ही होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है वह उज्जवल बताया गया है। तो उज्जवल से तो कवि कहना चाह रहा है कि काले रंग में डूबने से वस्तु काली होती है, लेकिन जो अनुराग हृदय है अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति में अगर श्याम वर्ण में हम डूबते हैं तो उसमें जो है हम और भी अधिक पवित्र होकर ही निकलते हैं, कि काले रंग में डूबने से वस्तु काली होती है परंतु अनुराग मन में ऐसा नहीं होता है। श्री कृष्ण के प्रेम में डूबकर और भी अधिक पवित्र बन जाता है व्यक्ति। प्रस्तुत दोहे के अंदर श्लेष, पुनरुक्ति प्रकाश तथा विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है। साहित्यिक ब्रजभाषा तथा दोहा छंद का प्रयोग कवि ने प्रस्तुत दोहे के अंदर किया है। नेक्स्ट दोहा देखिए, भजन कहो ताते भजू, भजो न एको बार, दूरी भजन जाते कहो सोते भजो गंवार। ताते ताते का अर्थ होता है उससे, भजो यानी कि दूर भागा, भजो ने यानी कि पूजा नहीं की, ते ते का अर्थ होता है तूने, भजो यानी कि स्मरण किया, गवार यानी कि ना समझ। प्रस्तुत दोहे में कवि ने मन को माया मोह से दूर रहने के लिए कहा है और ईश्वर भक्ति में ध्यान लगाने का उपदेश दिया है। अर्थ देखिए, भजो कहो ताते भजो, भजो न एको बार। कवि अपने मन को संबोधित करते हुए कहता है कि अरे अज्ञानी मन, मैंने तुझे जिसकी पूजा करने के लिए कहा था उससे तू दूर भागता रहा। भजन कहो ताते भजो, भजो न एको बार, यानी कि जिसका मैंने भजन करने के लिए कहा था उसका तूने भजन नहीं किया, अर्थात उपासना पूजा नहीं की और उससे दूर भागता रहा। दूरी भजन तातो कहो सोते भजो गंवार, और जिन वस्तुओं से मैंने तुझे दूर रहने का आदेश दिया था तूने उसे का पालन किया, अर्थात उसी को ही तूने अपनाया, सेवन किया। कवि यहाँ पे कहना चाहते हैं कि कवि जो है अपने मन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे अज्ञानी मन, मैंने जिसकी पूजा अर्चना करने के लिए तुझसे कहा था तूने उसकी पूजा अर्चना नहीं की और उससे दूर भागता रहा, और जिन से मैंने तुझे दूर रहने के लिए कहा था, जिन वस्तुओं से मैंने तुझे दूर रहने का आदेश दिया था तूने उनसे दूर रहने की जगह तूने उनका सेवन किया, अर्थात सांसारिक मोह से दूर रहने के लिए मैंने तुझे कहा था और ईश्वर की भक्ति दूर रहने के लिए कहा था और ईश्वर की भक्ति को अपनाने के लिए कहा था, लेकिन ईश्वर की भक्ति ना अपनाकर तू सांसारिक मोह माया में ही डूबा रहा। कि जिस व्यक्ति का मन चंचल और मोह माया से ग्रस्त होता है वह अपने गुरु के आदेश की बार बार अवहेलना करता है, इसी कारण वह जीवन भर पीड़ित रहता है। कवि ने प्रस्तुत दोहे में मन को वश में रखने का उपदेश दिया है। अनुप्रास तथा यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। साहित्यिक सरल ब्रजभाषा दोहा छंद का प्रयोग प्रस्तुत दोहे में हुआ है। नेक्स्ट देखिए, दोहा नंबर 7, अजो तर्योना ही रहो श्रुति सेवत एक रंग, नाग बास बेसरी लहो बसी मुकुतन के संग। अजो, अजो का अर्थ होता है अब तक, तर्योना, तर्योना होता है कान का आभूषण, या हम इसको दूसरे अर्थ में ले सकते हैं जो कि तर न सका, निकृष्ट जीव। श्रुति, श्रुति का अर्थ होता है कान या वेद। नाक, नाक का अर्थ होता है नाक, या फिर हम इसको दूसरे अर्थ में लेंगे स्वर्ग के रूप में। बेसरी, बेसरी होता है नाक का आभूषण। मुकुतन यानी कि मोतियों के। प्रस्तुत दोहे में कवि ने भगवान की भक्ति पर बल देते हुए
बाहरी ढोंग पर व्यंग किया है और सत्संगति पर कवि ने बल दिया है। अर्थ देखिए, अजो तरियो ना ही रहो श्रुति सेवत एक रंग। कवि कहते हैं कि तरियोना को संबोधित करते हुए कहते हैं कवि, तरियोना यानी कि कान के आभूषण को, कवि कान के आभूषण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे कर्णाभूषण, तू भगवान के कानों की सेवा करता रहा। श्रुति सेवत एक रंग यानी कि भगवान के कानों की सेवा करता रहा तो भी तू अब तक तरियोना ही बना रहा, अर्थात अभी भी तू निकृष्ट संसार ही बना रहा। तूने भगवान के कानों की सेवा की तो भी तेरा उद्धार नहीं हुआ। आजो तरियोना ही रहो श्रुति सेवते रंग, अर्थात कवि कर्ण के आभूषण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तूने भगवान के कानों की सेवा की तब भी तू तर न सका, अर्थात भगवान ने तेरा उद्धार नहीं किया, अभी भी तेरा उद्धार नहीं हुआ है। नेक्स्ट लाइन देखिए, नाग बांस बेसरी लहो बसी मुकुतन के संग। जबकि मोतियों के साथ रहने वाली बेसर यानी कि बेसर नाग का आभूषण, जो नाग के आभूषण को बेसर बोला जाता है, कि मोतियों के साथ रहने वाली बेसर ने नाक रूपी श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त कर लिया है। कि नाक भगवान के साथ कानों में रहते हुए भी तुमने एक उच्च स्थान प्राप्त नहीं किया, अर्थात उद्धार अपना नहीं किया है, जबकि मोतियों के साथ रहने से बेसर ने नाक रूपी श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त कर लिया है। इसका देखिए अर्थ देखिए दूसरे रूप में, कि जिस प्रकार से जो सगुण उपासक किसी वैदिक भक्त का उपास करते हुए कवि कहते हैं कि अब तक तूने वेदों का ही अध्ययन किया, इस कारण तुम अब तक संसारी व्यक्ति ही बने हुए हो, तुम्हारे अध्ययन से तुम्हें कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। जिन लोगों ने मुक्त तपस्वियों के साथ रहकर भक्ति की है उन्हें स्वर्ग का निवास मिल गया है, अर्थात बाहरी आडंबरों से दूर रहना चाहिए और जो है सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, ना कि उपेक्षक कान का उच्च स्थान होता है। कान ज्ञान का प्रतीक है, परंतु कान का आभूषण साधारण मूल्य का होता है, जबकि नाक की बेसर अधिक मूल्य की होती है। कवि का आशय है कि जीवन भर वेदों का अध्ययन करते रहने पर भी, ज्ञानवान होने पर भी व्यक्ति का उद्धार नहीं पाता है। संसार से मुक्ति पाने वाले व्यक्ति को ही श्री कृष्ण की सगुण भक्ति करनी चाहिए, अर्थात श्री कृष्ण की सच्चे मन से सगुण भक्ति जो व्यक्ति करता है उसे ही स्वर्ग में निवास मिलता है। प्रस्तुत दोहे में अनुप्रास तथा श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। बेसरी, बेसरी अर्थात बिना सिर पैर के साधारण मनुष्य भी प्रभु की कृपा से स्वर्ग प्राप्त कर लेते हैं। प्रस्तुत दोहे में कवि ने बताया है कि जो मनुष्य प्रभु की कृपा से स्वर्ग प्राप्त कर लेता है, साधारण सरल ब्रज भाषा का प्रयोग प्रस्तुत दोहे के अंदर कवि ने किया है। यहाँ होते हैं 1-7 दोहे कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए दोहा नंबर 8। सगन कुंज की छाया सुखद शीतल सुरभि समीर, मनुहु जातु अजो वहे उही जमुना के तीर। सगन, सगन का अर्थ होता है बहुत घना, समीर का अर्थ होता है हवा, सुरभि का अर्थ होता है सुगंध, उही का अर्थ होता है उसी, जातु का अर्थ होता है हो जाता है। प्रस्तुत दोहे में कवि ने कोई गोपी अपनी सखी से अपनी मनोव्यथा व्यक्त करते हुए चित्रित की गई है, अर्थात कवि ने बताया कि एक गोपी दूसरी गोपी से या सखी से अपने मन की व्यथा को प्रकट कर रही है। अर्थ देखिए,
सगन कुंज की छाया सुकद शीतल सुरभि समीर। नायिका अपनी सखी से कहती है कि उन घने कुंजों की सुकद छाया में बहने वाली शीतल एवं सुगंध युक्त हवा आज भी मेरे मन को यमुना के उन्हीं तटों की ओर ले जाती है जहाँ मैंने उस प्रियतम यानी कि अपने प्रियतम के साथ रमण किया था यानी कि समय व्यतीत किया था। प्रस्तुत दोहे में एक नायिका अपनी सखी से अपनी मन की व्यथा प्रकट करते हुए कहती है कि जो आज ये शीतल और सुगंध जो हवा चल रही है वो मुझे मेरे मन को आज भी उन्हीं यमुना के तटों की ओर ले जा रही है जहाँ पर मैंने अपने पूर्व में प्रियतम के साथ जो है समय व्यतीत किया था। विरणी को शीतल हवा कष्टदायी और संताप बढ़ाने वाली लगती है लेकिन जैसे ही प्रियतम का स्मरण या ध्यान होने लगता है तो वह क्षण जो है उसके सुखद पल में बदल जाते हैं। प्रस्तुत दोहे में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है तथा साहित्यिक सरल ब्रज भाषा का प्रयोग कवि ने प्रस्तुत दोहे के अंतर्गत किया है। यह होते हैं हमारे 1-8 दोहे कंप्लीट। नेक्स्ट दोहा हम कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे।